तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लेके आए आपके लिए एक नया छोटा सा व्लॉग, जिसमें हम जा रहे हैं अपने कुलदेवी के मंदिर और साथ में जाएंगे जो हमारे यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है वहाँ पे। तो लेके चलते हैं आपको साथ में और करवाते हैं माता रानी के दर्शन। तो चलो करते हैं शुरू। हमारे साथ जा रही है हमारी फैमिली, ये हमारा बड़ा बेटा किट्टू और धर्मपत्नी, और एक तो सबसे आगे भाई सबसे पहले निकल चुका है आगे। डब्बू कहाँ जा रहा है? कहाँ घूम जाना है? चल। और वो नीचे लगी है हमारी गाड़ी, और जिम्मू को भाई पता नहीं क्या दिख रहा है, तो जल्दी से नीचे उतरते हैं। और ये जिमी है। जिमी क्या हुआ? ये बात नहीं मानता है। और एक वो बैठा है, वो भाग गया, इसका फ्रेंड है, तो ये यहीं पे रहता है। हाँ, और भाई गाड़ी पे ना डंडे गिर चुके हैं रात की हवा से, तो पहले इनको साफ करते हैं। तो भाई ये सीनिक ब्यूटी है हमारे घर से, सामने पहाड़ देख सकते हो आप कितने प्यारे हैं, और इस साइड सामने नीचे खेत दिखते हैं। खेत अभी यहाँ से नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ, नीचे खेत है, मक्की बीजी जा चुकी है। और अभी आपको लेके चलते हैं नीचे गाड़ी के पास। मंदिर में इसलिए जा रहे हैं ताकि जो हमारी नई फसल हुई होती है पिछली बार, अभी जो कणक हुई है, तो उसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो वो लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए अब जाते हैं और करते हैं अपनी पूजा माता रानी की, कुलदेवी की, और साथ में आपको भी दिखाएंगे। ये अभी घर से निकल चुके हैं और ये सामने गांव है, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव। और यहाँ से अभी हम नीचे उतरेंगे रोड पे, जहाँ पे लगी है हमारी गाड़ी। उतर, नीचे उतर जाओ, उतर जा, उतर जाओ, आ जा, शाबाश, उतर ना, कैसे नहीं गिरता, आ जा भाई, ड्रामे देख सकते हो आप इसके, आ जा। ये ड्रामे बाज, चलो भागो आगे, भागो आस्ते। तो भाई घर से निकल चुके हैं और आने वाली गाड़ी 800 यहाँ पे लगी हुई है, और ये गाड़ी, इसके ऊपर भाई डंडा गिर चुका है पहले, वो करते हैं साइड में। तो भाई ये है यहाँ पे खेत, और ये हमारे गांव के खेत हैं, और चंदन डॉन खेत में जा रहा है। सो अभी निकल चुके हैं अपनी मार्केट के लिए, जो मार्केट है हमारे गांव की, सुबह पंजगाई मार्केट में हम पहुंच चुके हैं। आज संडे है तो कुछ चीज़ें बंद हैं, और सामने समोसे तले जा रहे हैं भाई। ये है पंजनाई मार्केट और स्कूल आप देख रहे हो, तो ये पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, बट अभी हम यहीं से निकलते हैं शॉर्टकट बैरी के लिए और मिलते हैं आपसे बैरी में। भाई कल परसों से बारिश हो रही है तेज वाली, और ये आप नज़ारा देख सकते हो, ग्रीनरी बहुत सही आ रही है ग्रीनरी भाई। गाँव के रोड हैं, थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए, अन्यथा नजर हटी दुर्घटना घटी वाली कंडीशन आ जाती है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेट पूरा रोड पे है, बाकी कैमरा एंगल का कोई पता नहीं है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं बैरी नेशनल हाईवे 21 पे, जस्ट इस कर्व के बाद। और ये नीचे सामने स्वागत होटल, और यहाँ पे हम
कनेक्ट कर जाएंगे NH 21 से। देख पर करंजू, तो ध्यान से देखने के बाद हम निकल चुके हैं सुंदर नगर वाली साइड, और ये हनुमान जी का मंदिर है। और ओ भाई भाई यहाँ से दिख नहीं रहा, बट सामने वाला जो 4 लेन है वो भी तैयार हो चुका है, और अभी हम लगट ब्रह्माना पहुँचने वाले हैं। तो जल्दी से आपको मिलते हैं ब्रह्माना चौक पे। भाई अभी ब्रह्माना चौक पे हम पहुँच चुके हैं, और सामने ACC प्लांट, ACC की ब्रांडिंग भी आपको दिख रही होगी, बाउंड्री वॉल जो है ब्रह्माना फैक्ट्री की। भाई साहब चौक पे पहुंच चुके हैं, गेयर चौथा। और सामने अपनी राहुल जा रही है, जिसमें हम कॉलेज जाया करते थे अपने टाइम में। यहाँ से अभी हम ले रहे हैं अपना लेफ्ट टर्न और निकल जाएंगे सलनू खांगड़ वाले रोड पे, और जो हमारे को अटैच कर देगा 4 लेन पे। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे सारी के सारी ट्रकों की पार्किंग है, जो फैक्ट्री के ट्रक हैं उनकी डिमांड यहीं से होती है, और ये सारे आप ट्रक ही ट्रक देख रहे हो हमारे साथ। बहुत सारे ट्रक हैं भाई, और नीचे भी हैं बहुत सारे, ये सारे आप ट्रक देख सकते हो। और यहाँ पे भी स्पीडोमीटर लग चुके हैं, जो सामने एक्सप्रेस वे पे, हिमालयन एक्सप्रेस वे पे हमारे को कनेक्ट करेगा। देख सकते हो आप सतलुज, और भाई पानी का बहाव बढ़ चुका है कुछ हद तक, और ये नज़ारा देख रहे हो आप जो राम बाग से दिखता है। यहाँ पे राम का बाग होता है, होता था, और आजकल मुक्ति धाम है। सो ये सतलुज रिवर यहाँ से बह रही है पूरे उसमें अपने जोश के साथ। अभी हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है कंद्रौर के लिए, और एक चला जाता है डहर के लिए, और हम जा रहे हैं डहर। भाई साहब मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। यहाँ से जस्ट ये पुल क्रॉस करेंगे और हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे। अभी हम बिलासपुर में हैं, और जैसे ही हम ये पुल क्रॉस करेंगे तो आप ये नज़ारा ले रहे हो हमारे साथ। और इस साइड ये सतलुज रिवर है, और सामने आप नज़ारा ले रहे हो अमेजिंग सा। डहर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम, अभी हम पहुंच चुके हैं डहर, और ये सामने जो मंदिर है हमारी कुलदेवी का मंदिर है। तो अभी हम थाने के सामने ही गाड़ी पार्क कर लेंगे, और ये पुलिस स्टेशन डहर, सामने नो पार्किंग है। तो हम अपनी पार्किंग यहाँ जैसे कर लेते हैं, और मेरे को नाली में उतरना पड़ेगा। पहले हम पहुँच चुके हैं माँ शीतला माता के मंदिर और अपनी कुलदेवी के मंदिर, तो चलो लेके चलते हैं आपको अंदर और दिखा करवाते हैं दर्शन अपनी माता रानी के। सो भाई यह है माता शीतला माता का मंदिर डहर में, और हमारे यहाँ पे जूते वगैरह रखने का स्थान मंदिर परिसर के अंदर है। और ये हमारा भतीजा अनु, इसने अभी ड्यूक बाइक ली, पार्टी लेने पड़ेगी, तो ये भी मंदिर में मत्था टेकने आया हुआ है। और जय हो जय माता रानी। भाई मंदिर भी खुला है, माता रानी के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। जय हो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये हमारी कुल देवी शीतला माता। अंदर में आ जाओ तुसे नेड़े से ना। तो भाई ये है हमारी कुल देवी का मंदिर, और आप दर्शन देख रहे हो माता रानी के। तो ये देख सकते हो आप हमारी कुल देवी शीतला माता डहर, और यहाँ पे आप भी आएँ माता रानी के दर्शन करें,
और अपनी मनोकामनाएं, माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, और अपना शीश नवाते रहें। जय माँ शीतला देवी, जय हो माता रानी। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। बंदरों से थोड़ा सावधान, बंदर भी हैं यहाँ पे, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। और माता रानी की परिक्रमा करते हुए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये माता के जल सब की शांति के लिए। बंदर है बेटू बार, अंदर आप देख सकते हो खेल रहे हैं यहाँ पे, और माता की चुनरी और धागा हमारे को मिल चुका है, और बरगद का पेड़, काफी विशाल पेड़, और हेलमेट रही गधेर अंदर ही से निणा आदत नहीं हेलमेट देख, ये हेलमेट मैं भूल गया है। अंदर छोड़ के भाई निकल रहा है जल्दी जल्दी। तो भाई आज मार्केट थोड़ी सी बंद है, तो ये डहर की चहल पहल संडे होने की वजह से थोड़ी सी कम है। तो भाई ये लुक है ड्यूक 200, और ये आप देख सकते हो अभी पूजा पाठ चल रहा है। माता रानी के दर्शन करने के बाद अभी निकल चुके हैं हम घुग्गा भटेड़ के मंदिर, जो नाग देवता का मंदिर है, वहां के लिए। सो भाई ये है सतलुज रिवर, और सामने आप नज़ारा देख पा रहे हो, अमेजिंग लग रही है भाई, अमेजिंग। और वहाँ नीचे तो पानी का बहाव भाई। ये स्पीड देख सकते हो आप पानी की भाई, अमेजिंग। वाओ ये सतलुज रिवर, सो ये अमेजिंग सा नज़ारा सतलुज रिवर का। तो भाई ब्रह्माणा के पास अभी हम पहुंच चुके हैं, और बारिश यहाँ पे लग चुकी है, पार तो बारिश थी नहीं। और यहाँ से अभी हम जाएंगे गुग्गा भटेड़ के मंदिर, और यहाँ से चढ़ जाएंगे अभी हम ऊपर, और यहीं पे अमन के घर हैं, जो सामने घर दिख रहे हैं, ये अमन का घर है, अमन की बाइक। अभी वो घर से निकलेगा, अभी मैं एक दो हॉर्न और बजाता हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं गुग्गा भटेड़ के मंदिर, और करवाते हैं आपको गुग्गा महाराज जी के दर्शन। और भाई यहाँ पे जल्दी से करते हैं चप्पलों को ओपन, और ये हमारे गुग्गा देव जी का मंदिर, और भाई यहाँ पे भजन गाने लगे हैं, तो उसकी वजह से कॉपीराइट का इशू होगा, पर जल्दी से मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है कॉपीराइट का। और ये गुग्गा महाराज जी के दर्शन है यहाँ पे। जय गुग्गा जार की, जय गुग्गा जार की, तो भाई होता क्या है कि जब नई फसल आती है, तो उसके बाद जो रोट बनाया जाता है उसको गुग्गा गुग्गा जी को, और हमारी जो कुल देवी होती है उनको चढ़ाया जाता है। तो उसी ही पर्पज से अभी हम गुग्गा देव के मंदिर में, गुग्गा जारपीर जी के मंदिर में पहुंचे हुए हैं, और आपको दर्शन करवाए, अभी मत्था टेकते हैं और रोट चढ़ाते हैं, तो मिलते हैं आपको उसके बाद। और बारिश भाई पूरा फुल ऑन कहर जारी हो चुका है बारिश का, तो आपको जल्दी से मिलते हैं। तो भाई ये बाहर का नज़ारा है मंदिर का, और पीपल के पेड़ काफ़ी पुराने दो पेड़ हैं, जैसे हमारे सदाशिव मंदिर में भी हैं, आपने देखा होगा सदाशिव मंदिर का ब्लॉग। और सामने दुकान है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो, और ये मंदिर का व्यू यहाँ से भाई आपके लिए, बारिश और तगड़े वाली बारिश लग गई है। तो चल में अभी हम पहुँच चुके हैं अमन के घर, और आज हम अमन के घर आए हैं विद फैमिली, और अमन ने बोला कि भाई चाय पी के जाना ही पड़ेगा, तो चाय पीने के लिए अब हम स्पेशल आ चुके हैं, और चाय पियेंगे फिर निकल जाएंगे घर के लिए। तो जैसे ही अमन आता है फिर आपको मिलवाते हैं अमन से भी। भाई हमारे
फुल मूड में आ चुके हैं और अमन के घर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से व्यू देख सकते हो अमन के घर से, ये अमन के घर से बॉलकनी का व्यू है। अभी हम टेरिस पे भी जाएंगे, जहाँ बोलते हैं बहुत हवा चलती है, तो वो टेरिस भी आपको दिखाएंगे। और ये इनके घर के साथ स्कूल है, तो यहाँ से स्कूल भी दिखता है। और अमन भाई खुश हो चुके ये हैं। अमन भाई का वर्क प्लेस, और देख सकते हो डॉलर ही डॉलर है यहाँ पे तो भाई। और भाई गोप्रो गैजेट चार्ज हो रहा है फुल ऑन अगले ट्रिप के लिए, तो अमन भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करें। अमन भाई का चैनल जो है वो मैं आपको यहीं पे, और फुल एडिटिंग चल रही है भाई, दबा के वीडियो आ रही है, नई नई बद्रीनाथ सीरीज चली है अमन भाई की। और भाई बहुत स्लो चलता है सिस्टम पे बन रही है चाय। आज अमन भाई को हमने कष्ट दे दिया चाय के लिए, और आज स्टील के गिलास में चाय, घर वाली फीलिंग फिर से आ रही है। अगर अमन भाई की जो दूध आ चुका है, और बद्रीनाथ का सीरीज इनकी चल रही है, तो इनविंसिबल बाइकर पे आप देखें, ऐसे तो मैं गलत बोलता हूँ पर इनविंसिबल बाइकर मैं मेंशन भी कर दूंगा, तो इनको प्यार दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ ये है। और भाई ये चूल्हा चल रहा है कि बना बंद है, बंद 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 बनाया नहीं जाए। और भाई अभी हम बालकोनी में आ चुके हैं, और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप सामने, ये सामने जो हमारे सलापड़ वाला स्विचयार्ड है वो है, और ये एक्स नीचे नेशनल हाईवे है, ये दिल्ली नेशनल मनाली हाईवे, एक्स दिल्ली एक्स मनाली, दिल्ली मनाली के लिए हाईवे है NH21। अब एनएच NH21 पार वाला भी NH21 हो गया, ये भी ये NH21 ही है। अपग्रेड हो गया, यानी कि किस नहीं रहा है अभी, ये चेंज हो गया, अब नाउ चेंज हुई गया तेरा। काफी पहले चेंज हो गया था ये। और ये नीचे स्कूल है, तो अमन भाई जब स्कूल जाते थे तो यहीं से छलांग लगा के नीचे पहुंच जाते थे। अच्छा DAV वाले छात्र हैं भाई। और ये सामने गैरू पीक दिख रही है आपको, यहाँ पे भी ट्रैक करा है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो जाके चेकआउट अमन कर भाई के सकते हैं। घर के टेरिस से जो नज़ारा दिखता है वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये सामने ACC प्लांट है, और भाई इधर गुग्गा गुग्गा जी का मंदिर है, अभी हम यहीं पे हैं। और यहाँ से भाई जो व्यू दिखता है आपको पैनोरामिक भाई वाटरफॉल, बारिश देख सकते हो आप, ताबड़तोड़ बारिश लगी है बाहर। और अभी हम यहाँ से चले जाएंगे ऊपर वाली साइड, ये शिमला के लिए रास्ता निकल जाता है आगे से, तो अभी हम यहाँ से सीधा अपने घर वाले रास्ते पे निकल चुके हैं। और ये वाली जो कर्व है काफी खतरनाक है थोड़ा सा, इसमें ऊपर से भी स्पीड में आते हैं बंदे, तो ये रहता है, बाकी तो देखी तो भाई जाएगी। वापस अपने घर पे पहुंच चुके हैं, और माता के दर्शन किए, गुग्गा जारपे जी के दर्शन किए, और अमन के घर पे चाय पी और अमन से मिले, और घर पे अभी वापस पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नई जगह पे नए लोकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।